नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वैशु एट लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे दम आलू विद पालक ग्रेवी। ये बहुत ही डिलीशियस होती है, तो आइए हम जान लेते हैं इसमें लगने वाली सामग्री के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आलू लिए हैं, दम आलू के छोटे छोटे आलू। इसे एक सिट्टी होने तक कुकर में पकने दिए। ये आधा कटोरी पालक है, पालक को अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। ये एक बड़ा प्याज है, इसमें दो हरी मिर्च, इसे भी पीस लिए हैं। ये टोमेटो प्यूरी, दो टमाटर की, एक प्याज है, बारीक कटी हुई हरी धनिया, 2-3 चम्मच दही, हल्दी पाउडर छोटी चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्वादानुसार नमक, गरम मसाला। हमने जो मसाले लिए हैं, धनिया 1 चम्मच, फलीदाना 2-3 चम्मच, काजू 2, हरी इलायची 2, बड़ी इलायची 2, 3-4 लौंग, 4-5 काली मिरे, आधी इंच दालचीनी, और इसका मिक्सर में फाइन पेस्ट बना लिए हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम में अच्छे पक जाएंगे आलू। तो हमारे आलू हो चुके हैं फ्राई, देखिए अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डाली हो। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, जीरा चटक गया है, प्याज डाल देंगे, इसको मिलाएंगे, गैस मीडियम करेंगे, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद होगा तो ज़्यादा डालिए। अभी मैं मसाला डाल दूंगी, जो हमने खड़े मसाले का फाइन पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, अभी हम इसमें पालक की ग्रेवी डाल देंगे, पालक जो हमने पीसे थे अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ी देर अच्छे से होने देंगे इसे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और पालक डाल के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका, देखिए बहुत ही सुंदर। पालक को तेल छूटा है, अभी अच्छे से पालक अलग हो रही है तेल से। अभी टोमेटो प्यूरी डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसे, अच्छे से पकने देंगे। गैस हमने मीडियम ही रखा है, मीडियम आंच में होने देंगे इसे अच्छे से।
दो मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखेंगे इसे। दो मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। देखिए आहा, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी। और थोड़ी देर इसे होने देंगे मीडियम आंच पे। अच्छे से मिलाएंगे, तेल अच्छा छूटने लगा है इसे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने दो हरी मिर्च प्याज के पेस्ट में डाले थे। इसमें डालेंगे दही, ये फेटा हुआ दही है, इसे अच्छे से मिलाएंगे। कंटिन्यूसली मिलाएंगे ताकि दही फट ना जाए। थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी बनती है ये पालक के साथ। आप भी बनाकर देखिए। तो हमारे दो मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा और डाल देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे दो मिनट के लिए ऐसे। अभी हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने फ्राई किए थे। अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम 3-4 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे। मीडियम आंच रखा है। दो तीन मिनट हो चुके हैं, अभी चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी।
यहाँ पर मैंने पाउन ग्लास पानी डाले हो, एक ग्लास से थोड़ा कम। देखिए ग्रेवी, अभी हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, धनिया पत्ती डालेंगे थोड़ी सी, अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसे हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। तो सब्जी को 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। वाह बहुत ही अच्छी, वाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी है। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा ना हो तो आप इसे हटा भी सकते हैं, पर मैं इतनी ग्रेवी रखूँगी, बहुत ही सुंदर दिख रही है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, बस। अभी हम इसे ढक के रखेंगे थोड़ी देर। देखिए तो इस तरह हमारी सब्जी बन गई है। देखिए बहुत ही प्यारा कलर दिख रहा है। आप इसे जीरा राइस के साथ या चपाती के साथ या पराठा या पूरी हो आप उसके साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल घर पे रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा। तो गाइज आपको दम आलू पालक ग्रेवी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज आप भी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा। और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।